क्या मंदी के बाद अब महंगाई की बारी है? प्याज जनता को पहले से ही रुला रहा है और अब उन्हें जीएसटी की दरें बढ़ने का डर सता रहा है। जीएसटी संग्रह में लगातार जारी कमी ने सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है और ऐसे में सरकार के पास भी रास्ते सीमित ही हैं। तो एटीएम यानी आज तक मनी के इस एपिसोड की शुरुआत जीएसटी पर जारी इसी चर्चा से। जीएसटी के मोर्चे पर एक ओर केंद्र सरकार पर राज्यों को हो रहे नुकसान की भरपाई का दबाव है तो दूसरी ओर सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए संसाधन जुटाने की चुनौती। ऐसे में जीएसटी काउंसिल अगली बैठक में टैक्स की दरें बढ़ाने का फैसला ले सकती है। जीएसटी को लागू हुए करीब 2.5 साल पूरे हो गए हैं और अभी तक सरकार एक बार भी अपने कर राजस्व के लक्ष्य को नहीं छू पाई है। राज्य विकास कार्यों में रुकावट का हवाला देते हुए जल्द से जल्द बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं, साथ ही कंपनसेशन की अवधि भी 5 से 10 साल करने की आवाज भी अब तेज होने लगी है। इस बीच विशेषज्ञ जीएसटी में बड़े सुधार की जरूरत बता रहे हैं। समझते हैं अपने एक्सपर्ट अंशुमान तिवारी से कि आखिर क्या हो गया है जीएसटी को। जीएसटी में ऐसा कुछ होने जा रहा है जो पिछले 2 साल में हुआ है उसका बिल्कुल उल्टा है। सरकार जीएसटी की दरें बढ़ाने पर विचार कर रही है। राज्यों और केंद्र सरकार को जीएसटी से बड़ा घाटा हुआ है। कंप्लायंस का लेवल बहुत खराब है और अब खजाने की खराब स्थिति की में सरकार आपकी जेब पर बोझ बढ़ाने की तैयारी में है। संभावना है कि जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी, कम से कम 2 स्लैब बढ़ेंगे और कुछ ऐसी चीज़ों पर टैक्स लगाया जाएगा जो टैक्स के दायरे से बाहर हैं। ये खबर अर्थव्यवस्था के लिए इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि पहले ही हम महंगाई के दौर की तरफ बढ़ चुके हैं और मंदी के साथ महंगाई हमारे सर पर सवार है। खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के कारण रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती रोक दी है और आने वाले समय में महंगाई और बढ़ने की संभावना है। तो अब केवल खाद्य उत्पादों की महंगाई ही नहीं बल्कि टैक्स से जुड़ी हुई महंगाई भी हमारा पीछा करने वाली है। बीते दिनों सोने के दाम में कमी देखने को मिली जिसका फायदा उठाने के लिए लोगों ने गहनों की खरीदारी तेज कर दी। तो क्या सोने के दाम में आई ये कमी बनी रहेगी या फिर बढ़ेंगे सोने के दाम, देखिए इस रिपोर्ट में। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का दाम बीते दिनों 5 दिन में लगभग 750 रुपए गिरने के बाद 37,570 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। सोने के दाम में आई इस गिरावट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं। पहले तो सोने के व्यापारी अमेरिकी फेडरल बैंक के ब्याज दरों पर फैसले का इंतजार कर रहे थे जिनमें बैंक ने कोई बदलाव नहीं किया। इसके अलावा सोने के दाम में दिख रहे उतार चढ़ाव का बड़ा कारण अमेरिका द्वारा चीनी उत्पादों के आयात पर लगने वाले टैरिफ की तारीख 15 दिसंबर का नजदीक आना भी है। इस मामले में गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट ने सोने की तेजी में ब्रेक लगाया। ऐसे में अगर चीन और अमेरिका के बीच डील हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में कमी देखने को मिल सकती है। वहीं भारत में दाम में आई कमी और जीएसटी की दरें बढ़ने के डर से ज्वेलरी की डिमांड में इस हफ्ते थोड़ी तेजी देखने को मिली। आइए अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि आने वाले दिनों में कैसी रह सकती है सोने की चाल। सोने की कीमतें सबको चौंका रही हैं। अर्थव्यवस्था में जब मंदी की स्थिति है, लोगों के पास निवेश के अवसर नहीं है, तब उसके बाद भी सोने में मांग नहीं है। अगर मांग की दृष्टि से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार सौदे की या व्यापार समझौते की संभावना है। यदि इस तरीके की कोई संभावना बनती है तो सोने की कीमतों में और गिरावट आएगी, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अगर ढलान शुरू होती है तो शायद सोने की किस्मत थोड़ा चमक सकती है। नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने वाले लोगों ने जमकर बिकवाली की। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी भी पिछले महीने पिछले साल नवंबर की तुलना में बेहद खराब रही। तो क्या लोगों का भरोसा म्यूचुअल फंड से उठ रहा है या फिर कहानी कुछ और ही है, देखिए इस रिपोर्ट में। शेयर बाजार की तेजी में की गई मुनाफा वसूली के चलते इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेशकों की शुद्ध खरीदारी में भारी गिरावट आई है। नवंबर महीने में निवेशकों ने कुल 1690 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की है, जो पिछले साल नवंबर में की गई शुद्ध खरीदारी 8414 करोड़ रुपए से करीब 80% कम है। नवंबर में म्यूचुअल फंड निवेशकों ने कुल 16216 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, जो बीते 20 महीनों का उच्चतम स्तर है। बाजार विशेषज्ञ मानते हैं कि गिरावट आने पर निवेशक वापस लौटेंगे। फिलहाल बाजार उच्चतम स्तर पर है जिसके कारण मुनाफा वसूली की जा रही है। भारतीय शेयर बाजार ऊंचाई पर हैं और उस ऊंचाई से ऊपर जाने की संभावना किसी को नहीं है। खासतौर से कम म्यूचुअल फंड्स जिनके पास बड़ी भुगतान और बिकवाली का दबाव है, उन्होंने बाजार में बिकवाली की है। ये खबर इसलिए थोड़ी चिंता पैदा करती है क्योंकि शेयर बाजार ही एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पर बेहतर रिटर्न मिल रहा था, लेकिन अब म्यूचुअल फंड निवेशक अगर शेयर बाजारों से पैसा निकालने लगे हैं। डेट फंड्स में पहले से ही समस्या चल रही है क्योंकि डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां परेशान हैं और उनके कर्ज फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में शेयर बाजार में यह तेजी का दौर कितने समय तक चलेगा,
रहेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर आने वाले जो भी आंकड़े हैं वे कम से कम अगले 6 महीने में मंदी से उबरने की कोई संभावना नहीं बता रहे हैं। साल 2019 खत्म होने वाला है और जाते जाते ये साल हमें कई सारी यादें देकर जा रहा है। ऐसी कुछ यादों की लिस्ट जारी की है ट्विटर और गूगल ने, तो आइए देखते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में इस साल कौन से ट्रेंड्स और सर्च ज्यादा पॉपुलर हुए। भारत में इस साल सबसे ज्यादा पॉपुलर पीएम मोदी का वो ट्वीट रहा जिसे उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव की जीत के बाद किया। खेलों की दुनिया में विराट कोहली का धोनी को जन्मदिन की बधाई वाला ट्वीट सबसे ज्यादा रीट्वीट किया गया। इस साल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैशटैग रहे लोकसभा इलेक्शंस 2019, चंद्रयान 2 और CWC19, और सबसे ज्यादा पॉपुलर इमोजी रहा टीयर ऑफ जॉय इमोजी। वहीं गूगल के ओवरऑल सर्च में क्रिकेट वर्ल्ड कप इस साल सबसे ऊपर रहा। इसके अलावा लोकसभा इलेक्शंस, चंद्रयान 2 और कबीर सिंह को भी लोगों ने खूब सर्च किया। नियर मी सर्च में लोगों ने सबसे ज्यादा डांस क्लासेस और सलून खोजा, तो हाउ टू में भारतीय लोगों ने वोट करने का तरीका जानना चाहा। हस्तियों में सबसे ज्यादा सर्च किए गए अभिनंदन वर्धमान, फिल्मों में कबीर सिंह और गानों में ले फोटो ले। एटीएम के ऑटो सेगमेंट में इस हफ्ते देखिए नवंबर महीने में गाड़ियों की सेल से जुड़े आंकड़े। टेक और मोबाइल में श्रुति से जानिए हाल ही में लॉन्च हुई हुआवी की नई स्मार्ट वॉच और वीवो V17 प्रो स्मार्टफोन की खूबियां। त्योहारी सीजन में रिकवरी के बाद नवंबर में यात्री वाहनों की सेल में फिर से कमी देखने को मिली। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2018 की तुलना में नवंबर 2019 में 0.84% कम वाहन बिके। वहीं कमर्शियल वाहनों की सेल में ये अंतर 14.98% रहा। जहां नवंबर 2018 में 72,812 वाहन बिके, वहीं इस साल नवंबर में केवल 61,907 कमर्शियल वाहन बिके। तो ये है हुआवे की स्मार्ट वॉच GT2 जो कि भारत में लॉन्च कर दी गई है। आपको बता दें कि स्मार्ट वॉच की खासियत ये है कि इसकी बैटरी जो है आपका साथ 2 हफ्ते तक निभाएगी। इसमें आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग, हार्ट रेट ट्रैकिंग, स्लीप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। ये वॉच 2 साइज़ में अवेलेबल है, 42mm और 46mm, और इसके साथ ही आपको बहुत सारे केसेस भी मिलेंगे बहुत ही अलग अलग कलर ऑप्शंस में। फीचर्स की बात करें तो 42mm Huawei Watch GT2 सपोर्ट करती है 1.2 इंचेस AMOLED डिस्प्ले और इसका रेजोल्यूशन है 390x390 पिक्सल्स। वहीं 46mm वेरिएंट 1.39 इंचेस AMOLED डिस्प्ले के साथ आती है विद 454x454 पिक्सल्स रेजोल्यूशन। Huawei Watch GT2 में 15 स्पोर्ट्स ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी है, 8 आउटडोर स्पोर्ट्स हैं जैसे रनिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, हाइकिंग और बहुत कुछ। वहीं पर वॉच इज ऑल्सो केपेबल ऑफ हार्ट रेटिंग ट्रैकिंग एंड स्लीप ट्रैकिंग जैसा कि आपको बताया। Huawei Watch GT2 46mm Sports Black की कीमत है 15,990 रुपए। वहीं 46mm Leather Sport की कीमत रखी गई है 17,990 रुपए। 46mm Titanium Grey Metal इसकी कीमत रखी गई है 21,990 रुपए। और वहीं 42mm Black Variant की प्राइस है 14,990 रुपए। ये दोनों ही घड़ियां आपको Flipkart, Amazon, Chroma और बाकी रिटेल स्टोर्स में मिल जाएंगी। इस फोन के बारे में आपको हम बता रहे हैं, आपको दे रहे हैं फर्स्ट इंप्रेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड यू कैन सी द फोन इज वेरी वेरी स्लीक। बहुत ही स्लीक फोन है और बहुत ही हल्का फोन है एंड यू कैन सी द डिजाइन, इट्स अ पंच होल डिजाइन हियर। यस, नॉट इन द सेंटर बट ऑन द राइट कॉर्नर। पंच होल डिजाइन इसमें दिया गया है। यू हैव अ स्पीकर हियर, यू हैव टाइप सी चार्जिंग हियर, डुअल इंजन चार्जिंग है इसमें, इट्स फास्ट चार्जिंग, और साथ ही स्पीकर और हेडफोन जैक नीचे दिया गया है। क्वाड कैमरा, जी हाँ, 4 कैमरा दिए गए हैं वीवो V17 में फॉर द फोटोग्राफी लवर्स। और बता दें आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 दिया गया है प्रोसेसर, विच इज डिसेंट इनफ टू बी यूज्ड, और वही साथ में ये 8GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च हुआ है। आपको बताएं कि 4500 mAh बैटरी इसमें दी गई है। इस तरह का UI है, हम आपको दिखा रहे हैं फोन का। दिस इज हाउ इट इज, आप देख सकते हैं सभी कुछ जो UI में चेंजेस करे हैं वो भी आप देख सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सॉर्टेड, सो एवरीथिंग इज हियर दैट यू कैन सी इन अ वेरी वेरी डिसेंट मैनर एंड अ वेरी वेरी ईजी एंड मैनेजेबल मैनर। ये देखिए, सो दैट्स द UI of the Vivo V17 phone. And now time for the price. आपको बता दें कि दिसंबर 17 से आप इसे ऑनलाइन और रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं Vivo V17 को, और इसकी कीमत रखी गई है 22,990 रुपए। जी हाँ, ये जो फोन है V17 22,990 रुपए का है विद स्पेशल USB, which is the quad camera smartphone.
आइए फास्ट फॉरवर्ड में फटाफट देखते हैं वो खबरें जो आपकी जेब और जिंदगी पर असर डाल सकती हैं। खबरों की माने तो आने वाले दिनों में लोगों के हाथ में हर महीने आने वाली यानी टेक होम सैलरी बढ़ सकती है। सरकार कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान को घटाने और टेक होम वाला हिस्सा बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है, जिसके लिए सोशल सिक्योरिटी बिल में प्रावधान किया गया है। अब आप मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में रिमाइंडर क्रिएट कर पाएंगे। इसके लिए व्हाट्सएप ने रिमाइंडर ऐप एनीडू से हाथ मिलाया है, जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप पर चैट करते करते रिमाइंडर क्रिएट कर सकते हैं। SBI के बीते वर्ष के फंसे कर्ज यानी NPA की राशि में करीब 12,000 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया है। RBI द्वारा किए गए आकलन के अनुसार बीते वर्ष में SBI का सकल NPA 1,84,682 करोड़ रुपए था, जो कि बैंक द्वारा दिखाए गए 1,72,750 करोड़ रुपए के सकल NPA से 11,932 करोड़ रुपए अधिक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियमों को लेकर पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। ये नियम 16 दिसंबर से लागू हो जाएंगे, जिससे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और आसान हो जाएगी। जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी नोमुरा ने अनुमान लगाया है कि दिसंबर तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ और भी गिर सकती है। नोमुरा के मुताबिक इस तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 4.3% रहने का अनुमान है। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है महंगाई मीटर। आइए देखते हैं पिछले एक हफ्ते में आपके किचन से जुड़े सामानों के दाम कितना बदले। म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में निवेश का बेहतरीन माध्यम माने जाते हैं, लेकिन निवेशकों के बीच अक्सर ये दुविधा रहती है कि किस म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए। निवेशकों की इसी दुविधा का समाधान इस हफ्ते के ATM सूझबूझ में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी, डेट, सेक्टोरल, एडवांस, एसेट एलोकेशन फंड। आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है, इसका चुनाव करने के लिए आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य, निवेश की अवधि, जोखिम लेने की क्षमता, इन तीनों चीजों पर गौर करना होगा। यदि लक्ष्य दूर है, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की शादी या पढ़ाई, तो इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड बेहतर होते हैं, जबकि मध्यम अवधि के लक्ष्य के लिए बैलेंस्ड और छोटी अवधि के लिए डेट फंड में निवेश बेहतर रहता है, जहां सीमित जोखिम के साथ अच्छे रिटर्न की उम्मीद होती है। विभिन्न कंपनियों के इन सभी कैटेगरीज में कई फंड्स उपलब्ध हैं। उनके पिछले प्रदर्शन और प्रबंधन के आधार पर फंड का चुनाव किया जा सकता है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेना ना भूलें। आज तक मनी के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए आज तक से।